हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चुपचाप स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवेंथ क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला। पहले के दो पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ पार्ट्स में क्वेश्चन के, क्योंकि मेरी तबीयत जो है इस टाइम कुछ ठीक नहीं चल रही है, पर मैं नहीं चाहती कि आपकी क्लास जो है वो डिले हो। ठीक है, तो कोर्स जो है वो मैं धीरे ही धीरे सही पर कंप्लीट जरूर कराऊंगी, पर आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही हमारी तबीयत ठीक होगी मैं स्पीड में आपका कोर्स लेकर चलूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरा है। मैं पहला बोल रही थी ना, सॉरी यार। क्वेश्चन जो है वो हमारा दूसरा ही है और पार्ट जो है वो हमारा तीसरा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें, यहाँ से अपनी साइंस पढ़ लीजिए और यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाइए। क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक के चार और परिमेय संख्याएं बताएं। मतलब कुछ परिमेय संख्याएं हमको दे दी गई हैं, उसकी अगली चार परिमेय संख्याएं जो हैं वो हमें बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा माइनस का 1/6, फिर है 2/12 माइनस का। ठीक है, इस तरीके से माइनस जो है वो हमारा नीचे लगा हुआ है। ठीक है, और फिर है 3/-18। ठीक है, फिर है 4/-24। फिर इस तरीके से हमको अगली चार परिमेय संख्याएं जो है वो बतानी है। ठीक है, और आपको एक और बात क्लियर कर देते हैं। मान लो हमारी कोई परिमेय संख्या दी गई है 1/b, किसी में माइनस ऊपर लगा हुआ है, किसी में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है और किसी में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है। भाई तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, माइनस कहीं पे भी लगाओ वो हमारा यहीं पे माना जाएगा। मतलब ये जो संख्या है या परिमेय संख्या हो, कोई संख्या हो, ये हमारा माइनस में ही मानी जाएगी। ठीक है, आप समझ गए, दो हैं होंगे माइनस तो वो तो कट ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो करते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक का पहाड़ा चल रहा है, एक कम एक, एक दूनी दो, एक तिया तीन, एक चक्कू चार, फिर छः का पहाड़ा चल रहा है, छः दूनी 12, छः तिया 18, छः चौक 24। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। हमको ये तो समझ में आ गया, उस चीज़ को लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, माइनस 1/6 जो है वो लिख लेना है। फिर से हमको हमारा पहला टर्म जो है वो माइनस 1/6 है, फिर से हम माइनस 1/6 लिख लेंगे। ठीक है, फिर से हम माइनस 1/6 लिख लेंगे, फिर से हम माइनस का 1/6 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हमारा एक पहाड़ा चल रहा हुआ था ना, तो एक एक कम एक, तो हमने 6 1 6 कर दिया, तो हमारा यही आ जाएगा। अब हमारा 2/12 है, मतलब किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से 6 में भी 2 की गुणा करनी की पड़ेगी, तभी हमारा ये आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे 4 की गुणा कर देंगे, तो 6 4 24। ठीक है, तो ये भी हमारा वही परिमेय संख्या आ जाएगी जो हमको दी गई है। ठीक है, तो इसकी अगली चार परिमेय संख्याएं जो हैं वो हमें बतानी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए अगली चार परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अगली चार परिमेय संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या होंगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में माइनस 1/6 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी माइनस 1/6 लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस 1/6 जो है वो हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और हमारा 4 तक पहाड़ा गया था, तो अगला हमारा 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो हमने 5 कर दिया यहाँ पे। फिर हमारा 6 आता है, तो हमने यहाँ पे 6 कर दिया। फिर हमारा 7 आता है, तो हमने 7 कर दिया। फिर हमारा 8 आता है, तो हमने यहाँ पे 8 कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने 4 पूछे, तुमने 4 तक लिखा है, अगर ज़्यादा पूछे होते तो हम और ज़्यादा लिख देते। ठीक है, तो अब हम गुणा कर लेते हैं, 5 1 5 5 6 30 हो गया। ठीक है, फिर 6 1 6 6 6 36 हो गया। फिर हमारा 7 1 7 6 7 42 हो गया। ठीक है, 8 1 8 8 6 48 हो गया। ठीक है, ये जो चार परिमेय संख्याएं हैं यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारी अगली चार परिमेय संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।